23 जून को है शादी और सोनाक्षी शादी के बंधन में बंधने के लिए है काफी एक्साइटेड। अपने लवर जहीर इकबाल के साथ सोनाक्षी शादी रचाएंगी। सोनाक्षी की शादी में आप देखेंगे कि पूरा परिवार और कुछ क्लोज मेंबर्स सम्मिलित होगा। इस रिपोर्ट में आपको बता दें बीते दिन योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। फीवर FM और हेल्थ शॉर्ट्स द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम बाउंस बैक भारत द आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट के लिए एक साक्षात्कार में सोनाक्षी सिन्हा पहुंची थी और उन्होंने ये बताया था यदि आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं तो एक अच्छा शरीर होने का क्या मतलब है। सोनाक्षी ने इस मौके पर मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने की लोगों से अपील भी की थी और इसी मौके पर सोनाक्षी ने हमेशा की तरह ये स्वीकार किया कि सालों तक उनके वजन और बॉडी टाइप के लिए उन्हें ट्रॉल किया जाता रहा, लेकिन काफ़ी जिल्लत सहने के बाद सोनाक्षी को एहसास हुआ, उन्होंने ये सीखा कि बॉस लेडी की तरह प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी है। लोगों को खुद से प्यार करने के लिए एक या दो सबक देने हैं। जी हाँ, सोनाक्षी ने वजन कम करने के बारे में बताया कि पहले वो जिम जाती थी, वेटलिफ्टिंग करती थी, लेकिन कभी भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता था। फिर योग और कार्डियो की तरफ वो शिफ्ट करती नजर आई। ये कार्डियो की करती हुई उन्होंने नृत्य और ट्रेडमिल दौड़ने जैसी विविधताओं की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। तब उन्होंने योग की तरफ आगे बढ़कर अपना कदम बढ़ाया, उसका परिणाम भी मिला। सोनाक्षी सिन्हा ने ये बताया, आपको अपने सभी शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए, आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में ताकत होना चाहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें लगता है कि इसे ही समग्र रूप से स्वस्थ रहना कहते हैं, जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कहकर सोनाक्षी ने अपने पुराने दिनों को याद कर दर्द भी छलकाया। नेक्स्ट 9 लाइव स्टूडियो।